स्टोरेज कहाँ होता है, स्टोरेज ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का स्टोरेज मेनली मास्ट सेल में होता है। मैं अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि इसका स्टोरेज कहाँ होता है, मास्ट सेल में। मास्ट सेल जैसे स्किन में होगा, पल्मोनरी टिश्यू में होगा, जीआईटी में होगा, इंटेस्टाइन में होगा। जैसे स्किन में इसका मास्ट सेल अगर है, हिस्टामिन कहाँ पे है, मास्ट सेल में है। मास्ट सेल किस में, स्किन में है। स्किन में अगर हिस्टामिन है तो प्रॉपर वहाँ पे क्या होगा, खुजली होगा, वहाँ पे चकत्ते बनेंगे, धब्बे बनेंगे, या फिर कहा जाए तो बहुत सारे स्किन डिजीज कहाँ पे होते हैं, स्किन में ही होंगे। तो यहाँ क्या होता है, हिस्टामिन एक्टिव रहता है और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। पल्मोनरी टिश्यू को बात किया जाए तो लंग्स की बात कर रहा है, कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। ये पल्मोनरी टिश्यू को बात कर रहा है तो लंग्स की बात कर रहा है, जिसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन उसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तब जाके क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। हमने अभी बताया था कि ज़्यादा अगर हिस्टामिन का सिक्रीशन अगर पल्मोनरी टिश्यू में हो गया तो क्या हो गया, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो उसके मतलब क्या होगा, अस्थमा हो जाएगा। जीआईटी की बात किया जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो वहाँ पे क्या होगा, एससीएल का अगर हिस्टामिन ज़्यादा एक्टिव हो गया तो एससीएल का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, एससीएल का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो पेप्टिक अल्सर होगा। इंटेस्टाइन में बात किया जाए तो इंटेस्टाइन में भी अगर ये एक्टिव हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन अल्सर भी हो जाएगा। दूसरा है नॉन मास्ट सेल, जो मास्ट सेल में नहीं है, जैसे सीएनएस की बात किया जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें न्यूरॉन्स में पाया जाता है। इपीडर्मिस ऑफ स्किन के बाहरी लेयर पे जो इपीडर्मिस है उस पे है। उसके वजह से जीआईटी में गैस्ट्रिक सेल, जिसको मैं बताया हूँ कि अभी एससीएल का सिक्रीशन वहाँ से होगा। बैसोफिल्स मतलब ब्लड में पूरे शरीर के ब्लड में हिस्टामिन क्या होता है, एक्टिव होता है, उसका सिक्रीशन वहीं से होता है। अब बात करें इसका रिस्पॉन्स कैसे करेगा। अगर इसमें क्या होता है, जैसे अगर डस्ट है पोल्यूशंस है या फूड है या टॉक्सिन्स है, कुछ भी आप खा रहे हैं बॉडी में ही जा रहा है, अगर डस्ट बॉडी में जाएगा तब भी एलर्जी होगा, पोल्यूशन है तब भी एलर्जी होगा, फूड अगर जा रहा है तो स्टमक में जाएगा तब भी, अगर फूड पॉइजनिंग होगी उसमें भी। उसके बाद से टॉक्सिन्स की बात किया जाए, जब मेडिसिन हो गया, कोई और ऐसे मेडिसिन ले लिया जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उसकी बात किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जा रहा है। पहली चीज, हमारा इम्यून सिस्टम किससे बना है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, एंटीबॉडीज और एंटीजन से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये अंदर जाता है तो यहाँ पे एंटीजन का काम करता है, यहाँ पे एंटीजन, उसके बाद से यहाँ पे एंटीजन का काम कौन करता है, आईजीई, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के नाम जानते हैं, उस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आईएजी एंटीजन बनाता है, उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद से हिस्टामिन क्या होता है, इसका हेपेरिन होता है, मतलब वहां से सिक्रीशन होता है ब्लड में। हिस्टामिन जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जब इकट्ठा होगा तो पूरे ब्लड में जाएगा, तो क्या होगा, ये ब्लड में जाके एक अपना वहां से इसका सिक्रीशन होगा। देखिए अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो हिस्टामिन क्या होगा, यहाँ आ गया, और इसका क्या होगा, हिस्टामिन का रिलीज होगा। जब हिस्टामिन का रिलीज होगा तो ये कोई रिस्पॉन्स करेगा, जब बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होगा तो रिस्पॉन्स करेगा, या तो इरिटेशन कॉज करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो ये करेगा स्नीजिंग करेगा, रनिंग नोज करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, बॉडी में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये हिस्टामिन का रिस्पॉन्स, या एक तरह से कहा जाए तो मोड ऑफ एक्शन आपको मैं बताया हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन बताया हूँ, ओके। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ हिस्टामिन, कितने टाइप्स हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसके मेनली फोर टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है H1 रिसेप्टर, दूसरा है H2 रिसेप्टर, तीसरा है H3 रिसेप्टर, और चौथा है H4 रिसेप्टर। H1, H2, H3, H4, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। इस चारों रिसेप्टर का अपना अलग अलग वर्क है,
जैसे आप जीपीसीआर पढ़ेंगे, जीपीसीआर जब आप जीपीसीआर पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से भी इसके इसको जान लेंगे कि ये H1 H2 H3 कैसे काम कर रहा है। बात किया जाए ये रिसेप्टर कैसे एक्शन कर रहा है बॉडी में, तो इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से सोचा कि आपको बता दें H1 कहाँ पे कैसे काम करेगा, इसका एक्शन क्या होगा, ये पाथवे क्या होगा, H2 का पाथवे क्या होगा, एक्शन क्या होगा, ये क्या रिएक्शन शो करता है, H3 H4 ऐसे हमने सोचा एक चार्ट बना के चार्ट के माध्यम से आपको बता दें कि अपना रिएक्शन कैसे शो करता है। तो पहले बात किया जाए H1 की, H1 रिसेप्टर जो है, H1 हिस्टामिन रिसेप्टर जो है, ये पहले कहाँ CNS, GI ट्रैक और ब्रोंकाई और हार्ट में, ये कहाँ पे होता है, इसका साइट हार्ट में होता है, ब्रोंकाई में होता है, CNS में होता है और GIT में होता है, ठीक है। पाथवे की बात किया जाए तो IP3 और DAG पाथवे इसमें होता है, और एक्शन की बात किया जाए तो ये क्या करता है, ये CNS में, GIT में, ब्रोंकाई में और हार्ट में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की बात किया जाए तो ये ब्रोंकाई में करेगा, पेन करेगा, पेन करने की बात किया जाए तो हार्ट में पेन होगा और इचिंग भी होगा। वैसोडाइलेशन की बात किया जाए तो हार्ट में वैसोडाइलेशन होगा, जब वो जो वेन का डाइलेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, BP इंक्रीज हो जाएगा, BP बढ़ जाएगा। इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन आपके कहीं भी हो सकता है, CNS में, GI ट्रैक, ब्रोंकाई, हार्ट में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब बात किया जाए H2 रिसेप्टर की, H2 रिसेप्टर कहाँ पे, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में पाया जाता है, जहाँ पे गैस्ट्रिक HCL का सिक्रीशन होता है। CNS में होगा, हार्ट में होगा, वैस्कुलर स्मूथ मसल में पाया जाता है H2 रिसेप्टर, जिसमें CAMP साइक्लेज AMP क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है। और जब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो HCL का सिक्रीशन बढ़ेगा, जब HCL का सिक्रीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा, क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर। उसके बाद से वैसोडाइलेशन में क्या होगा, जब वैसो का डाइलेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, BP इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट का पंपिंग क्या होगा, हार्ट पंपिंग रेट बढ़ जाएगा। H3 की बात किया जाए तो ये CNS सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में पाया जाता है। सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, न्यूरॉन्स का एक फिगर बनाया है, रफली न्यूरॉन्स का फिगर है। यहाँ पे क्या है, ये न्यूरॉन्स है, एक्जॉन है, डेंड्रॉन्स है, जो भी पाए जाते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर है, और यहाँ पे क्या होते हैं, ये यहाँ से रिसेप्टर यहाँ पहुँचने में, जैसे यहाँ अपना वर्क कर रहा है, यहाँ पे एक सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, मतलब यहाँ सिनेप्टिक बल्ब के द्वारा क्या होगा, ये यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, उसी को ये बोल रहा है CNS प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। इसमें क्या होगा, साइक्लेज AMP क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, इनबिट हो जाएगा, हिस्टामिन बॉडी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हिस्टामिन बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, CNS में डिक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगा, तो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, ठीक है। उसके बाद से H4 की बात किया जाए, हिस्टामिन H4 की बात किया जाए तो हीमेटोपेप्टिक सेल्स में पाया जाता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्लड बनते हैं, जिसको हम ब्लड सेल भी बोलते हैं, हीमेटोपेप्टिक सेल को ब्लड सेल भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड बनता है, इसमें क्या होता है, CGM AMP क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, मेडुलेट होता है, इम्यून फंक्शन मेडुलेट होता है, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, और भी बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे H4 क्या होगा, बॉडी में जैसे बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, जहाँ पे RBC बन रहा है, RBC में बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जैसे मान लीजिए अभी इन्फ्लामेशन कैसे होगा, हमने बताया कि मधुमक्खी ने काट लिया, क्या हुआ, एक मधुमक्खी ने काटा आपके साइट ऑफ एक्शन सेल पे, टिश्यू पे, वहाँ पे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे हिस्टामिन एक्टिव हो रहा है। सेम एज इन्फ्लामेशन या एलर्जिक रिएक्शन कब होगा, जब हिस्टामिन H4 क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, किसमें, हिपेटोपेप्टिक सेल्स में जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा और एलर्जी रिएक्शन शो होगा। ओके, अब देखेंगे हिस्टामिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी में कैसे एक्शन शो कर रहा है, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। जैसे स्मूथ मसल,
स्मूथ मसल कहाँ पाया जा रहा है? अभी हम पल्मोनरी टिश्यू बता रहे थे, तो ये कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पे क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वहाँ पे क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मतलब सप्लाई होगी बट कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा वो। अगर पाइप चौड़ा है तो क्या होगा, पतला हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। तो क्या होगा, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियो में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, जिससे क्या कॉज होगा, अस्थमा। ये कब होता है, जब स्मूथ मसल में हिस्टामिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा बात, सीबीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हिस्टामिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा। वैसोडाइलेशन मतलब क्या होगा, वेन, जो ये वेन है अगर इतना पतला है तो इसको क्या कर देगा, और चौड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा। मतलब ये इतना पतला है तो इसको डायलेट करके इतना बड़ा कर दिया, मतलब ये डायलेट कर दिया, और उसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, तो उसमें ब्लड का फ्लो फास्ट होगा, इसमें सॉरी ब्लड का फ्लो क्या होगा, स्लो होगा, जिससे बीपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, बीपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद से जीआईटी में अगर हिस्टामिन लेवल बढ़ता है तो H2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, H2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जिससे HCl के सिक्रीशन जीआईटी में बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। क्या कॉज करेगा, पेप्टिक अल्सर। बात किया जाए CNS पे, अगर CNS में हिस्टामिन का लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। अगर स्किन में अगर बढ़ जाता है हिस्टामिन का लेवल तो उस कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा। तो अभी मेनली मैंने 2-3 दिया एग्जांपल, बाकी अगर 2-3 एग्जांपल ही इसके लिए काफ़ी है। अब हम कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे हिस्टामिन, आज बता दिए, कल हम पढ़ाएंगे इसका एंटागोनिस्ट क्या होगा, हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट क्या होगा, और देन हम पढ़ाएंगे सेरोटोनिन के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, ओके। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और सारे फार्माकोलॉजी के जितने भी ड्रग्स हैं उसका मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन सारे हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगे, ओके।